प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस पार्टी के त्योंथर के प्रत्याशी रमा शंकर सिंह का जनसंपर्क अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। रमाशंकर सिंह लगातार पिछले साल भर से क्षेत्र में सक्रिय हैं, हर घर पर उनकी पहुंच है। उसकी एक वजह, पिछला चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा था, 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं उनके पिता भी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, इसका भी लाभ उनको मिल रहा है। सतत जनसंपर्क, क्षेत्र की समस्याओं पर पैनी नजर माना जा सकता है। रमा शंकर इस बार एक गंभीर प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये तय करेगी त्योंथर की जनता 17 नवंबर को, जब वो मतदान करने जाएगी। जिस तरीके से रमा शंकर सिंह क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कितने कॉलेज बनवाए, अस्पताल में क्या व्यवस्था करवाई, कितने कल कारखाने लगा दिए जहां स्थानीय बच्चों को पढ़ने के बाद रोजी रोटी मिल सके। कोई भी काम उन्होंने बेहतर तरीके से नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में त्योंथर आज भी कोसों पीछे है। भारतीय जनता पार्टी सिवा जातिवाद की राजनीति के और कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जब ये तय हो गया था टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय या अन्य पार्टियों से बातचीत करने प्रारंभ कर दी थी, लेकिन रीवा से पूर्व वर्तमान मंत्री राजेंद्र शुक्ला त्योंथर आए, यहाँ उन्होंने सारे लोगों से बात की, अगर नहीं की तो केवल देवेंद्र सिंह से। सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने देवेंद्र सिंह से बात नहीं की, इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये जातिवाद की राजनीति नहीं है? त्योंथर विधानसभा क्षेत्र आज भी अपने विकास की बाट जो रहा है। सुनिए, रमा शंकर सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने क्षेत्र की योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा। चुनाव 17 तारीख को है, आप लगातार प्रचार में हैं, किस तरीके का माहौल है? एक तरफा माहौल है, पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के अंदर इतनी गुटबाजी है कि जो यहाँ के नेता हमारे थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उनके वारिस थे, उनकी विचारधारा लेकर चलने वाले लोग थे, वो सब बेरोजगार से हो गए हैं। जो नया परिस्थितियाँ जो पैदा हुई हैं उससे उनको लगता है कि लोकतंत्र में बेरोजगारी आ गई है भाजपा के अंदर, तो वो लोग भाजपा के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है अंदर अंदर उस प्रत्याशी को निपटाना है। और जनता ने भी समझ लिया है पूरी चीज़ों को कि ये नहीं चलेगा त्योंथर में, अब जनता ने यह मन बना लिया कि नहीं चलने वाला है ये। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बस तारीखों का इंतज़ार है, बाकी परिणाम अच्छा आएगा। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर स्थानीय मंत्री रीवा विधायक देखे गए थे, कुछ लोगों को मना भी रहे थे क्योंकि यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी का टिकट भी काटा, तो किसको मनाने गए थे? देखिए, आप लोगों ने भी कैमरे में देखा होगा, पेपरों में भी आया था, हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं जी हैं, उनके पास और तमाम उनकी जो, चूँकि उस पर मुझे ज़्यादा समय कहने की आवश्यकता नहीं है, जो भाजपा के उनके लोग थे, जो दावेदार थे, 11 लोग दावेदार थे लगभग, उन 11 के पास नहीं गए, वो 2-3 के पास गए, बाकी लोगों को छुट्टा छोड़ रखा था। देवेंद्र सिंह जी के पास बिल्कुल नहीं गया, जरा उस कैमरे में पूछिएगा उनसे, क्या उनके पास कोई मनाने उनको आया क्या? इसलिए कि वो जिस तरीके से लोकतंत्र को कैसे गिरवी रखा जाए, इसके वे मोहरे हैं एक तरीके से। और मैं और कह रहा हूँ कैमरे में बात, कि बहुजन समाज पार्टी को परिणाम आने के बाद आप देखिएगा इस त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में सब आज तक के पड़े वोटों का सबसे कम वोट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी कहीं रास्ते पे नहीं है हमारे,
वो तो भाजपा के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद बहुजन के नाम पर हमारा अनुसूचित जनजाति वर्ग है, शायद पिछड़ा वर्ग है, जो रमा शंकर सिंह का बेस वोट है वो हमको मिल जाएगा तो हम रमा शंकर सिंह को हरा के भाजपा हमारी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला इस बार। चलिए ये तो हम 17 तारीख को देख लेंगे कि किसको कितने वोट मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक सरकार भी, अगर आपकी प्रदेश में सरकार बनती है और आप विधायक बन जाते हैं तो क्षेत्र की जनता को आप क्या सौगात देने जा रहे हैं? मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया है कि आज बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं करना है और उनको स्कूल में पढ़ाना नहीं है, फेल भी नहीं करना है, पढ़ाना भी नहीं है। तो 8वीं के बाद 9वीं बच्चे नहीं पास हो रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे 9वीं पास नहीं हो रहे। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जरा सर्वे करके पता करिएगा, 18 साल के इतिहास में यही मिला है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, और दूसरी मेरी प्राथमिकता जो मेरे नेता कमलनाथ जी ने भी कहा है कि पंचायती राज जो हमारा जो मूल रूप था पंचायती राज का, हमारी सरकार बनेगी तो सारे अधिकार हम पंचायतों को देंगे, जो गांधी जी का सपना था उस जनता के लिए, और जो वास्तविक निर्णय की जरूरत है तो वो ग्राम सभा में ही जो निर्णय होंगे उसी को हम मानेंगे, ऐसा हमारी पार्टी भी कहती है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, और शिक्षा के क्षेत्र में नए नए टेक्निकल कॉलेजों में कोर्स खोलना, कन्या महाविद्यालय मेरे सपने में है त्योंथर में, और परमात्मा यदि मौका देगा तो निश्चित तौर पर कन्या महाविद्यालय त्योंथर में हम खुलवाएंगे। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।